हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं अजिनफॉर्मा। दोस्तों, व्हाट्सएप तो आप सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में व्हाट्सएप को जो ज़रूरत थी वो दो नए फीचर जो है इस बार ला रही है। इनफैक्ट कि आप अगर अपडेट कीजिएगा अपने व्हाट्सएप तो आपको ये दो फीचर मिल भी जाएगी। अब दो फीचर जो है यहाँ पर जो खासियत है इसकी बात करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो बताना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग को तो ऑलरेडी पता होगा कि व्हाट्सएप ने पूरे इंडिया में जो है न्यूज़पेपर, अलग अलग जो प्रिंटिंग मीडिया है उसमें अपना लास्ट पेज जो है उसमें एडवर्टाइज छापा है। इंग्लिश है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी है तो हिंदी में प्रिंट किया है। रीजन ये है कि आप लोग जानते होइएगा कि सोशल मीडिया के कारण, जिसमें कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो र्यूमर फैला है, सबसे ज़्यादा जो अफवाह फैला है उसका जो मीडियम है वो है दोस्तों व्हाट्सएप। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास व्हाट्सएप है और मोबाइल में होने के कारण कोई भी चीज़ को तुरंत शेयर कर दिया जाता था, जिसके कारण से गलत चीज़ को भी लोग सही मान लेते थे और उसके कारण बहुत सारे गलत घटनाएँ भी हो गई। अब इस चीज़ को सीखते हुए व्हाट्सएप जो है दो चीज़ नया ला रहा है। पहला ये कि जब भी कोई मैसेज को फॉरवर्ड किया जाएगा तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे एक लेवल आ जाएगा कि ये मैसेज जो है किसी के द्वारा फॉरवर्डेड है। पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर ग्रुप में कोई चीज़ फॉरवर्ड किया जाएगा तो इसमें भी बताया जाएगा कि ये मैसेज किसके द्वारा फॉरवर्ड किया गया है, और वहाँ से आप किसी को भेजिएगा तो वो भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको सेंड होगा तो इसमें दिखेगा। ये तो हो गई बात फॉरवर्ड करने की। दूसरी बात है दोस्तों, वह है ग्रुप से। ग्रुप में क्या था कि अभी तक अगर व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं आप हैं एडमिन, लेकिन मान लीजिए कि 200 लोगों को आप जोड़ लिए, ऐड कर लिए, 200 में 200 लोग जो है आप किसको कंट्रोल कीजिएगा, कितने लोगों को कीजिएगा, आप अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, 5 लोग 10 लोगों को कीजिएगा। ऐसे में बहुत सारे न्यूज़पेपर में इससे पहले न्यूज़ भी देखे थे ना, कि जहाँ पे ये था कि बहुत सारे ऐसे क्राइम हो गया या कुछ ऐसे चीज़ पोस्ट हो गया जिसको बाद में कंप्लेन किया गया और वो अरेस्ट भी हो गए। तो ये सब चीज़ से देखते हुए ये भी ज़रूरी था जो फीचर मैं बताने वाला हूँ वो है दोस्तों कि एडमिन अगर चाहे तो सिर्फ एडमिन पोस्ट करेगा, बाकी जितने मेंबर हैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे देख पाएंगे। अगर बाकी के मेंबर को पोस्ट करना पड़ेगा तो वो पहले एक तरह से रिक्वेस्ट भेजेंगे एडमिन के पास, जब एडमिन अप्रूव कर लेगा इसके बाद ही वो जो है उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, और एक तरह से वहाँ पे अप्रूवल हो गया। जैसे फेसबुक ग्रुप बनता है, फेसबुक ग्रुप में क्या होता है कि एक तो रहता है कि ओपन रहता है, कोई भी पोस्ट कर सकता है, दूसरा कि अगर एडमिन चाह ले तो विदाउट अप्रूवल कोई भी पोस्ट वहाँ पे नहीं दिखेगा। मतलब फेसबुक ग्रुप में भी आप फेसबुक पे हैं वहाँ पे अगर कोई चीज़ पोस्ट कीजिएगा तो पोस्ट डायरेक्ट नहीं होगा, पहले अप्रूवल के लिए जाएगा, एडमिन उसको अप्रूव भी नहीं करेगा तो इलीगल चीज़ वहाँ पे दिखेगा नहीं। इससे क्या होगा कि व्हाट्सएप के जो एडमिन है उसको पूरा कंट्रोल मिलेगा, उसको पूरा पावर मिलेगा, और जिसके कारण जो र्यूमर है, अगर एडमिन समझदार है तो र्यूमर को फैलने से, अफवाह को फैलने से रोक सकता है। ये हो गई बात व्हाट्सएप के दो फीचर। लेकिन यहाँ पे कुछ बात है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये फीचर ला करके व्हाट्सएप बहुत बड़ा कमाल कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप से पहले दूसरे मैसेंजिंग एप्लीकेशन जो है मैसेंजर है वहाँ पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका नाम है दोस्तों टेलीग्राम। मैं ऑलरेडी टेलीग्राम वर्सेस व्हाट्सएप का वीडियो बनाया था जिसमें अभी बहुत सारे ऐसे फीचर है जो टेलीग्राम में तो है लेकिन भैया अभी व्हाट्सएप में नहीं आया है। तो अगर वो वीडियो भी देख लीजिएगा तो आपके ही काम का रहेगा, ताकि आप समझ पाइए कि व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते करते साथ में जो टेलीग्राम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर अभी व्हाट्सएप में आया ही नहीं है। और बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुप की बात ना, तो ऑलरेडी टेलीग्राम में पहले से फॉरवर्डेड वाला लेवल, तो ग्रुप में कौन कौन पोस्ट करेगा इसके लिए वहाँ पे क्या है कि एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी बना सकते हैं, साथ में एक चैनल बना लीजिए। अब चैनल को जो है जितने लोग जो है सब्सक्राइब कर लेंगे वहाँ पे एक बार नोटिफिकेशन दीजिएगा, सभी को पहुँच जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो पोस्ट करेंगे सिर्फ वही कर सकते हैं, बाकी सब लोग जो है वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये फीचर अभी फिलहाल वाली व्हाट्सएप लाया हो, लेकिन काश पहले टेलीग्राम से सीख लिया होता तो बहुत ही कंट्रोल हो जा सकता था। लेकिन एनीवे देर आए दुरुस्त आए, व्हाट्सएप जो ये फीचर ला रहा है ये बहुत अच्छे फीचर है। लेकिन जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहता हूँ ऐसे में कि आप भी जो है र्यूमर फैलने से रोक सकते हैं। आपको जब लगे कि इस टाइप का कोई र्यूमर आ रहा है तो बस वहीं पर इग्नोर कर दीजिए मैसेज देख करके, क्योंकि इससे आप तो समझ गए लेकिन अगर कहीं फॉरवर्ड गलती से हो जाएगा तो ऐसे में अगले लोग तो नहीं समझेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए कि आप टेलीग्राम को पसंद करते हैं या व्हाट्सएप को पसंद करते हैं। अगर पसंद करते हैं तो कौन से फीचर के कारण किसको पसंद करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।